एक गरीब आदमी, उसको एक रोटी तो मिल जाता था रोज, मगर सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं। तो जो मुंबई में पाव भाजी बनाते हैं ना, सड़क पे पाव भाजी का बड़ा सुगंध आता है, रोज जाता था, अपना रोटी को पाव भाजी के पास रखता था, वहां उसमें उसका सुगंध पकड़ता था, फिर खा लेता था, बड़ा स्वाद आता था उसको। फिर वो इसको देखे, वो जो पाव भाजी वाला आदमी डबल रोटी तो लेके आता है, डबल रोटी में तो चूस लेता ना उसका पाव भाजी का सुगंध, उसने पंचायत में जाके दाखिल कर दे इसके ऊपर, इसको चार्ज इतना पैसे देना है मुझे, रोज आके मेरा पाव भाजी का सुगंध लेके जाता है। तो पंचायती हुई, पंचायती का अध्यक्ष था तेनाली रामकृष्ण, उसका ठीक था, देखो इसने सुगंध रोज हमारी जो पाव भाजी का सुगंध लेके गया, हमसे एक भी नहीं खरीदा कि इतना पैसे इसको चुकाना पड़ेगा हमें। तो तेनाली रामकृष्ण ने कहा हाँ ठीक तो है। फिर उसने सारे कॉइन्स ली, एक थैले में लगा के उसको बुलाया, सर चलो आ जाओ इधर, तो उसके कान के साथ हिला दिया, देखो इतना सिक्का है, दिखा दिया इतना पैसा है। वो बोला हाँ दीजिए, नहीं इसकी आवाज काफी है। उसने सिर्फ तुम्हारा सुगंध खाया, उसका खुशबू ही तो लिया उसने, तुम सिर्फ पैसे का शब्द ले लो बस, इसका आवाज ले लो उसके लिए। भाई सब कल्पना मात्र है, अंध मोक्ष स्वर्ग नरक सुख दुख ये सब कल्पना मात्र, काल्पनिक जगत में रहते हैं हम, बैठे बैठे सोचते रहते हैं दूसरे आदमी हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। आजकल किसी को किसी और के बारे में सोचने के लिए समय कहाँ है, हम खामुखा बैठ के सोचते हैं दूसरे व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ऐसे सोच सोच के दुखी हो जाते। दूसरे व्यक्तियों के बारे में हमारे मन में जो धारणाएं होती है सब काल्पनिक है। एक पप्पू को तो एक एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में पड़ा रहा, तो उसके पप्पू के तो दोस्त होते ही थे, कोई दोस्त आके बोला पप्पू तुम कैसे हो, वो भी उससे बड़ा बुद्धिमान था, देख रहा है पूरा बैंडेज है सिर से पांव तक, फिर भी उससे पूछा है पप्पू कैसे हो, हाउ आर यू, और वो पप्पू बोलता ओ फाइन मैं ठीक को बोलता हूँ, दोनों झूठ, ये देख रहा है बैंडेज लेके पड़ा हुआ है, बोलता हाउ आर यू, मगर कभी कभी पप्पू भी कुछ इंटेलिजेंट बात कर देता है, कई सालों में एक बार तो पप्पू ने कहा सिर्फ जब हंसता हूं तो दर्द ज्यादा होता है, तब उसके दोस्त ने पूछा अरे इस हालत में तुम हंस सकते हो, तो बोलता अब नहीं हंसूंगा, तो फिर मेरा हंसी तो हंसी नहीं है, तो फिर कब हंसूंगा, शरीर को जो हो रहा है अभी मन को तो कम से कम हम हंसते रहे, तो इसलिए हम कहते हैं पेन इज इनेविटेबल, माने शरीर को दर्द होता है ये तो होता ही है, मगर उसको सोच सोच के जो आप उससे दुखी हो जाते हो ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, दुखी होना या ना होना। एक व्यापारी नाव में जा रहा था बनारस, तो बीच दरिया में नाव डूबने लगा, तो इसका नाव तो डूबने लगा, बगल में एक और नाव, एक और मछुआर जा रहा था, तो इन्होंने कहा यार भाई हमको ले लो तुम्हारे जो छोटे से नाव में, बोला जो तुम चाहे सब ले, मेरा सारा संपत्ति ले लो, मैं डूब रहा हूँ, जान जा रही है, मुझको ले लो। तो जो डूबता हुआ व्यापारी फिर उस मछुआर के नाव में बैठ गया,
जैसे ही नाव थोड़ा चलने लगा किनारे की तरफ, नाव में बैठने के बाद इसको थोड़ा अफसोस होना, रे मैंने अपना पूरा संपत्ति देने के लिए वायदा कर दिया, जब डूब रहा था अब क्या करें। मछुआरे से बोला, देखो भाई पूरा नहीं मानना, मैं तो पूरा देने के लिए तैयार हूँ, मेरा घरवाली नहीं माने। तो ऐसा करते हैं, आधा दे देते हैं, तो आधा तो मैं घर वालों के लिए भी तो देना पड़ेगा ना, क्या करें, घरवाली है बच्चे हैं उनके लिए आधा, तो आधा तुमको दे देता हूँ। मछुआरा ने कुछ नहीं बोला, नाव और आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में उसको बोला, आधा तो क्या, इसने क्या किया, बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक मुझको बचाए तो इधर से पानी से उठा के रखो तो उसका धर्म है। किसी का भी मानवता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का धर्म दूसरे को बचाना। उसने अपने धर्म से हटके तो मुझे कुछ नहीं किया, यदि हमको नहीं बचाता तो उसको पाप लग जाता। उसको पाप लगने से मैंने इसको बचा दिया। बोले मगर आधा बहुत ज्यादा है, उनसे बात कर ले, तुम ऐसा करो तुम्हें एक चौथाई दे दो। मछुआरा ने तब भी कुछ नहीं बोला तो और आगे बढ़ा। जब किनारे लगी नाव तो उन्होंने 5 रुपये निकाल के उसके हाथ में दिए। मछुआरा ने उनको देखा, ये भी नहीं जरूरत है, हमने तो अपना धर्म किया है, आपसे क्या लेना। व्यापारी को संकोच लगा, नहीं नहीं रखो कोई बात नहीं, चाय पी लो, बच्चों को कुछ खिला दो। तू सच कह रहा है, तुमने अपने धर्म पालन किया। बोलते मन ऐसी चीज है कि अच्छा काम करने का जब भी मनो तुरंत कर देना, नहीं तो उसको आगे करोगे तो वो होता ही नहीं है। कुछ भी हमें अच्छा काम करना हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे करेंगे, कभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। कभी गुस्सा करना हो तो वो नहीं करते, तुरंत करना मांगते। गलत काम करना हो तो तुरंत करने का मन करता है। इस प्रवृत्ति को बदलो, वही है। आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हो, उनके दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हो, और आज अड़ोस पड़ोस के बच्चों के बारे में नहीं सोचते, आप वातावरण के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ मेरा बच्चा। अरे भाई, आपके बच्चे पर आपका असर बहुत कम है, उनके साथी संगातियों के जो असर है वो अधिक पड़ता है। इसलिए बच्चों के जो संगत है, इनके साथी संगाती है, स्नेह मित्र है, इन पर आपका ध्यान होना चाहिए। उनको सुधारो, उनके आसपास कितने होते हैं, 10-15 बच्चे हो तो मुश्किल से, वैसा देखा जाए तो ये आपके बच्चों के 4-5 से अधिक मित्र तो नहीं होते, उंगली में गिना जा सकता है। घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है तो कितने लोग आते हैं, 15-20 लोग। वैसे रोज रोज कितने बच्चों से बात करते हैं आपके बच्चे, 4-5-10। उन 4-5 बच्चों पर आपका असर यदि होता है तो फिर आपके बच्चे भी आपकी बात सुन लेंगे। कल्पना करो, सारे पोषक मिल करके अपने सब बच्चों पर एक अच्छा असर पैदा करने के लिए उनको ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण निर्मित करके दे, आप देखो कि उसमें तो बड़ा परिवर्तन आ जाता है। सारी बुराइयों से बच्चों को बचा सकते हैं, नशाखोरता और गाली गलौज देना, ये सब चीज़ों से बच्चों को बचा सकते हैं। आपको गौर से बच्चों को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ये गौर से देखिए क्या क्या बात करते हैं, कैसी बातें करते हैं, इनकी भाषा में गाली गलौज है और आप नहीं करते हो, बच्चे करते हैं, तो संगत से आ गया ये बात है ना। तो माता पिता को तुरंत बोलना चाहिए, ऐसे शब्द दोबारा तेरे मुंह से नहीं आने चाहिए। तो पहले से हम वाणी को ठीक करते हैं बच्चों का, फिर व्यवहार भी ठीक होता है। हम छोड़ देते हैं जो बोल रहा है बोलने दो, बच्चों के वाणी में ऐसी खराबी निकलती है, ऐसी ऐसी
गालियां निकलती है तो फिर वो कृति में आने में कोई देर नहीं लगती। सो वाणी की शुद्धता पर जोर दो बच्चों में। What is the role of parents to get the youth out of anxiety and external pressures? Parents, first of all, should instill more faith in encouragement and give more faith in the students, in young people, in the children. Just giving them food and clothing and a comfortable life is not it. You have to give them some knowledge about life. When we see that is missing in our education system, that's when we came up with the Art of Living program for youths. The youth empowerment seminar we are doing is bringing youth back into the track where they feel enormous inner strength, clarity of mind, purity of heart, sincerity in action. All this happens effortlessly in the creativity that we are bestowed with. Every child has some creativity in her or him, and this finds an expression spontaneously, naturally, when you start meditation, kriya, yoga, all this. नमस्ते, वेलकम बैक टू शिशु योगा फॉर किड्स। हम आप सबका शिशु योगा के इस किड्स सीरीज़ में स्वागत करते हैं। सो आई होप यू आर रियली हैप्पी एंड डूइंग योर होमवर्क एंड डूइंग आसनाज एंड डूइंग ऑल द एनिमल आसनाज एंड गेम्स बैक व्हाइल यू आर बैक होम। हम आशा करते हैं कि आप घर पे पूरी तरह अच्छी तरह खेल रहे हैं और अच्छे से मज़े भी कर रहे हैं और योगा करके शांत भी हो रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन बाय चैंटिंग ओम in a different posture, which is called the tree posture. So let's bend one leg and place it on the other leg. We can keep our eyes open today so that you don't fall and you don't get disbalanced, and keep your hands in front of your chest. Take a deep breath in and breathe out. For Om, let's chant. Breathe in. Gently bring the leg down and relax. Interesting? All right. So today we are going to do something very interesting. So Shreya Didi, what about today? What is so interesting today that we are going to do? Yeah, you know the traditional game of hopscotch? Yes, where yes. We used to jump and then we used to play. So we are going to do it with a little twist. Thoda twist ke saath khelenge. Yeah, that was called stapu, right? Yes. Hindi mein stapu bolte hain usse. Ji, stapu khelenge aaj. Yes. So uske pehle hum na कुछ आसना सीख लेंगे। ओके ठीक है। तो आशीष भैया आप उनको पहले सुपरमैन पोज दिखा दीजिए। सुपरमैन पोस्चर। सुपरमैन पोस्चर के लिए आपको नीचे जाना होगा। सो धीरे से नीचे आ जाएं एंड लाई डाउन ऑन योर एब्डोमेन। पेट के ऊपर आ जाएं और अपने हाथों को अपने शरीर के आगे कर लें। ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी एज यू ब्रीद इन। लिफ्ट योर हैंड्स एंड लेग्स ऑफ द फ्लोर। कीप ब्रीदिंग। Push the hands and feet away from the body. Your neck in between the arms. And you can stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And Superman can come down. And relax. Yes, Didi, what next? Thoda palti kar le, jo hum bachpan mein karte the. Yes, I just love that. Yes. So what is ulti palti? So what you have to do is... Do this, do this, and then do this. Wow, that's really nice. Yay. I give you 10 points for that. Thank you. And you're wearing Superman today. Yes, and I have all the power. Seva, sadhana, satsang.
Wow, you have triple power today. Yes. That's why you did 3 somersaults. Yes, that's why I did 3. Wow, तभी तो आपने 3 पलटियां की. Yes. बढ़िया है. तो अभी आप सुपरमैन तो हो गए. अभी हम थोड़ा रिवर क्रॉस करने के लिए हमें नाव की जरूरत है. We need a boat. Oh, so we need to do some Naukasana, right? So in Naukasana, you lie down on your back. Take a deep breath in, bring your hands at the back. Exhale by tightening the abdomen and come up. And go into Naukasana. And stay there. That's a good boat. I like it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And thus. And relax. Yes, Didi. What next? You could just massage yourself. Oh, yes. It's a break. You've been a good student. Thank you. All I needed after this whole day of work was some relaxation. And it's a good idea to, you know, massage the parents and help them relax. Yeah. Yeah. बहुत काम कर रहे हैं आजकल लॉकडाउन में. Yes. Feeling so relaxed, Didi. What else? You know, I've heard something called the super brain yoga. I have also heard. Do you know about it? Is it sitting up and standing? हाँ, पहले हमें स्कूल में से पनिशमेंट मिलती थी ना. Like this, standing, and then like this. नहीं, स्कूल में हमें पनिशमेंट मिलती थी, हम कान पकड़ते थे. Oh yeah. Now I clearly remember. और कान खींचते थे जोर से नीचे की ओर. खींचो खींचो. दर्द हो रही है? बहुत दर्द हो रही है दीदी. अच्छा लगता है, खुल जाता है सब कुछ हमारे अंदर. Yes, yes. Now you can do some sit-ups. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, you can take 8. A good break. Nine. You've been a good student. Ah. Very nice. Where is Didi now? Okay, you can teach them Shavasana. Shavasana, that's quite simple. That's one of my favorite asanas. My All favorite I need too. To do is just lie down on my back, hands by the sides, about 1 foot distance between the feet. Now you can slowly come up and do the Dhanurasana. Dhanur, bow posture. So what I need to do is, I need to come on my abdomen, bend my knees, hold my ankles or hold my ankles, and gently as we breathe in, we lift our legs up, chest up, push the shoulders away from the ears and push the feet away from the body. Wow, ये तो राम जी का बाण बन गया. Yes, it is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and relax. That was perfect. And yeah, you're the winner of this game. Yay! So we're going to really play hopscotch now. Okay. So can you just tell me how to play this game? So I'm going to be counting some numbers. Okay. And I'm going to be throwing the dice. Okay. And jo number dice pe aayega, aapko us number pe jump karna hai, langdi tang. Oh, okay. On one leg you have to jump on those numbers. And on the board I have the instructions for the game. Okay. To agar 1 aayega to aapko superman karna hai 10 seconds ke liye. 10 seconds? Yeah. And if I feel I can make it even 30 seconds. Oh. That's challenging. Yeah, we'll make it more challenging. So let's look at the instructions. Yeah, why don't we go on the board? Okay, perfect. So all those children out there, take a paper and pen. Ek paper aur pen lijiye apne haath mein. Aur aap ye diagram banaiye apne paper pe. Bhaiya, aap bhi apna paper pen le aaiye. Yes, yes, Didi, I'll get it. Hi. Yeah, so you can open a plain sheet or a ruled sheet. Okay. And you can make this diagram. So you have only squares. It's very easy. 12 squares.
So make this diagram like this. You can just write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, Didi, written down the numbers. Are you done? Yes, I have written the numbers. Perfect. So, against 1, you can write Superman. Superman. S-U-P-E-R-M-A-N. Mm-hmm. Superman okay. Likhiye. Written down. 2 pe aap likhiye. गोल 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 मतलब गोल 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 लिखना है हाँ. या बनाना है आप बना सकते हैं ऐसे ओके गोल 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 ड्रॉन थ्री पे यू कैन राइट बोट बोट नाव यस बोट फोर पे आप लिखिए बाण या धनुरासन बो धनुर फाइव यू कैन मेक अ बिग स्माइली फाइव पे बिग स्माइली व्हाई इज दैट यू जस्ट नीड टू स्माइल बिकॉज़ यू आर गोइंग अहेड यू कैन स्किप अ टर्न ओह वाओ You just directly jump to 7? No, 6 is massage. 6 is massage. So, the massage how, Ashish Bhaiya? Yeah, you can do it for any parent or you can do it for anybody. Okay, perfect. 7 is a tree. 7 is a tree. Oh, how I did? Yes. Okay, perfect. 7, tree, pose. Okay. 8 is your favorite. You can lie down. 8 is favorite. Ah, Shavasana. 9 is sit-ups. Sit-ups. Okay. Topukarnam, right? Yes. Mm-hmm. Then? And 10 is Malasana. 10 is Malasana. Oh, how to do Malasana? Malasana is you just sit. Like we learned the other day. Yeah, you sit there on the floor. Oh, this is quite simple. Yeah. Okay. Malasana. And 11. 11. Is go back to number 2. Oh. Again, somersault. Yeah. Oh, wow. That's interesting. And 12 is winner. 12 is the winner. Yay. And what does the winner get to do? Just enjoy. Oh. And I have a surprise for you. Okay, perfect. So, we're going to play this once with you now. And sure, at home, sure, Didi. All of you can play however you want. You can download the dice. Ya aapke paas dice hai. So, aap apne aap se khel sakte hai. Usko continue kar sakte hai. Aajkal to waise mobile apps mein you can easily find dice, right? Yeah, and you can make your own instructions. Which asana, what you want to do. This is just for an idea. Oh, okay, okay. So, whatever we have written here, that can be done by yourself. Yeah. Aap khud hi kuch kuch bana sakte hai. Yeah, aur khud bhi aap apne asan bana sakte hai. Yeah, that's very interesting. That means we can continue doing this even after watching this this particular show. Yeah, you can do elephant asana, lion pose, and you can do the gorilla. Oh, quite you can interesting. Do the camel, peacock. Wow. So I am so excited, Didi, to do this asana. So I'll go back on my yoga mat. Yes. And you help me do the instruction. Will you please roll the dice for me? Yes, I'm going to roll the dice. I have the dice in my hand. And I'm going to start the game. Number one. Oh, wow. So I have to be only on one leg, right? Yes. And number one is Superman. So Superman. Go back on your mat. Okay, again, I have to go on the mat. Hmm? Yeah, and do Superman for 10 seconds. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So come back to one. Okay. You can play this with your friends. For now, you're playing alone. Yes. So you should remember which number you're on. Sure. Pakka. Okay. Now I'm rolling the dice again. One again. So I go to two, right? Yes. And two is palti. Palti again. Okay. So I have to go back again. Yeah. Okay. One. Two and three. Yeah. That's a good job. So you can come back on number two. Okay. I'm back in two. Now I'm rolling the dice. Five. So you can go to 3, 4, 5, 6, and 7. You're reach 7 now. So I can just jump or I can just walk? You can go on your own. Lucky boy, and 7 is 3. 7 is 3, oh my god. You can do it right there. Okay. Can I keep my hands here so that I can balance yes. better? Yeah. Okay.
You can stay there in this position for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That's a good job. Okay. Now, I'm going to roll the dice again. 3. You have 3. So, 7 plus 3? So, you 10. Do 8, 9, and 10. Okay. And that's Malasana. Malasana. So, I go on 10. Yes. Zoop, and go down. Yeah, and stay in this position for 30 seconds. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I might just fall down. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and relax. So what else now? Now you have 2 numbers to go. So if you don't get either a 1 or a 2, then I stay here? You continue staying there. Oh, then I better stand up. So I'm going to play the dice. 5. Mm-mm. Okay. 4. Mm-mm. 2. 2. Oh my God. And you're the winner. 1, 2. Yay. Awesome. So since Didi, I'm winner now, what should I do? You can just chill and let's do the laughter. Oh yes, let's do the laughter then. Yeah. I'm so happy that I won. So, no. But the kids can continue playing there? Oh, I have to be there? Yeah, you have to be in the 12. And now you laugh with the sound, ha 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 ha. Okay, so I'll just blast out. Yes. Laughing can also be tiring. Now you can laugh with and now you go to and now you go to and you done a good job. That was my prize? Yeah, just laughing. Okay. So now kids can continue doing this? Yes, kids can continue playing the game. Mm-hmm. And we can zoom into the board. Once again, if you've missed out on some instructions, you can see this. And ap apne aap se bhi likh sakte hain apne khud ki instructions. Ye to sirf ek idea ke liye hai. Yes. Just for an idea. Yes. And if there's less space in the room, doesn't matter. You can make small boxes and play. Okay, we can just make 6 boxes and then Play it away. You can make 6 boxes or you can make small boxes. Okay, perfect. So now I'm going to go back and then we are going to teach them something very interesting. So I'll sit down now. So we'll learn some very beautiful breathing technique today. It is called the Nadi Shodhan Pranayam or alternative breathing technique. So we are going to inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. And how we are going to do it? With the help of the hand. But first, take your left hand, bring the tip of the index finger and the tip of the thumb touching each other, and the 3 other fingers straight, and gently place the left hand on the left knee. So this is also called the OK mudra and perfect mudra. So this is the chin mudra. And the right hand, with the right hand you will do this particular mudra. Now for doing this mudra, what you need to do is, you need to place the index finger and the middle finger gently placed in between the eyebrows. The ring finger and the little finger gently pressing on the left nostril, and the right thumb gently placed on the right nostril. So you are going to place your fingers like this. Now, with the help of the ring finger and the thumb, you are going to open and close your left nostril and the right nostril. And while you are doing this opening and closing, you will keep the index finger and the middle finger gently pressed in between the eyebrows. All right?
सो लेट्स टेक द पोजिशन, अपने पोजिशन ले लें, आपका बायां हाथ जो है उसको इस तरह चिन मुद्रा में बाएं घुटने के ऊपर रख लें, दाएं हाथ की जो फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर है उसको दोनों के आईब्रोज के बीच में रखेंगे, और जो रिंग फिंगर है उसको लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट थंब को राइट नोस्ट्रल के ऊपर ऐसे रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे दोनों नासिका से, फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम बोथ द नोस्ट्रल्स। नाउ gently press the right nostril, close the right nostril, inhale from the left by opening the left nostril, close the left nostril, open the right, exhale from the right, inhale from the right nostril, close the right nostril, open the left, exhale from the left। And relax. Now this is one round. So you inhale from the left nostril, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. So this is one round of Nadi Shodhan Pranayam, right? So इसे एक हम दौर बोलते हैं। अपने बाएं नाक से नासिका से सांस लेंगे, दाहिने नासिका से बाहर निकालेंगे, और दाहिने नासिका से हम सांस लेंगे और अपने बाएं नासिका से बाहर निकालेंगे। इस प्रकार हम एक दौर करेंगे। सो दिस इज वन राउंड। सो वी जनरली शुड डू 8 to 9 राउंड्स और एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम, राइट? सो लेट्स डू व्हेनेवर वी गेट टाइम, अपने आप करेंगे हम इसको, और अभी फिलहाल सबके साथ हम लगभग 5 राउंड एक साथ करेंगे, राइट? सो लेट्स टेक पोजिशन, अ जेंटल स्माइल ऑन द फेस, बैक स्ट्रेट, एंड लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out, another breath in and let go from both the nostrils. Now gently close the right nostril, open the left, inhale from the left, long deep inhalation, normal breaths, close the left nostril, open the right, exhale from the right, inhale from the right, close the right nostril, open the left, exhale from the left side. Remember, while you are doing this pranayama, focus your attention in between the eyebrows and on the inhalation and the exhalation. Now once again breathe in from the left nostril, close the left nostril, open the right, exhale from right, inhale from right, close the right, exhale from left, inhale from left, hold the left, exhale from right, inhale from the right, hold the right, exhale from left, inhale from left, hold left, exhale from right, inhale from right, hold the right, exhale from left, inhale from left, hold the left, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left,
Hold the left, exhale from right. Inhale from right. And exhale from left. And answer doing this round. You may relax. इस राउंड के बाद विश्राम करें. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मे ओपन योर आईज. आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड. सो श्रेया दीदी, इट रियली गिव्स अ वेरी बैलेंस बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट ब्रेन. दिस इज अ वेरी गुड प्राणायामा. Okay, yes. So what we are going to do is, I have a very good idea. Let them teach another pranayama, which is again a very good cooling pranayama. You taught me that something on the teeth, you take in air. Yes, yes. I'm going to talk about the same. And you breathe out from your nose. Yes. So yesterday, or it was day before yesterday, we taught them the Sheetali pranayama, where they were rolling their tongue. So some people, actually there is a fact that some people cannot do this pranayama. So for those people, what we can do is, we teach them another pranayama called the Sheetakari pranayama. Very similar pranayama, where we roll the tip of the tongue on the upper palate like this. Just upper palate, just behind the upper teeth. And then touch the both teeth like this and inhale from the mouth, exhale, close the mouth, exhale from the nose. So, close your mouth, exhale from nose. We'll do once again. Close your mouth, exhale from the nose. Once again. Exhale from the nose. Inhale. Exhale from nose. Exhale from nose. And one last time, inhale from the mouth. And exhale from the nose. And slowly you may open your eyes. Wow, it's so cooling, this pranayama. I'm pretty sure everybody who did this pranayama really felt cool inside. So, Shreya Didi, what are we going to do next? We're going to do a special nature meditation today. Oh, wow. I'm really looking forward towards this nature meditation. You want to do it? Yes. Let's close our eyes. Okay, let's close our eyes. And this is again like the imagination we used the other day. So, take a deep breath in. And breathe out. Gehri saans andar. और छोड़ दें. एवरी डे वी आर सराउंडेड बाय ग्रेट गिफ्ट्स दैट आर जस्ट वेटिंग टू बी नोटिस्ड. हर दिन हमारे आसपास कितने सारे तोहफे हैं, बस हमारा इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने के लिए. लेट्स नाउ ब्रिंग देम टू आवर माइंड. अब हम उनको अपने मन में लेके आएंगे. फ्लावर्स शेयर देयर लव विद अस and entertain us by their many shapes and colors. Phool apne rang hame dikhate hain, alag alag shapes dikhate hain, aakar dikhate hain. The colors of red, purple, orange, blue, yellow, peela, neela, lal.
नाउ सी योर फेवरेट फ्लावर, अपने फेवरेट फ्लावर को देखें. पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, द ट्रीज गिव अस शेड एंड हैव देयर रूट्स दैट गो डीप इनटू द अर्थ. उनकी जड़ें धरती माँ के अंदर बहुत गहराई से अंदर जाती हैं. अब आप अपने फेवरेट पेड़ के नीचे लेटे हैं, यू लाइंग डाउन अंडर योर फेवरेट ट्री. थैंक द ट्री फॉर द वंडरफुल शेड. कृतज्ञता पूर्वक इस पेड़ को आप नमस्कार करें, धन्यवाद दें. फील हाउ द ब्रीज हग्स यू. कैसे हवा आपको एक जादू की झप्पी दे रही है. हवा केवल आपके लिए चलती है, द ब्रीज ब्लोज जस्ट फॉर यू. फील द ब्रीज, हवा को महसूस करें. पानी बारिश के रूप में आती है, द रेन कम्स डाउन एंड वॉशेज ऑल द प्लांट्स. पौधों को पानी मिलता है बारिश के रूप में. देखिए कैसे पानी धरती के अंदर जा रहा है. सी हाउ द वॉटर इज सीपिंग इन टू द अर्थ, फॉर्मिंग लेक्स एंड रिवर्स. और यही पानी नदी बन जाता है समुद्र के रूप में. भव्य दिख जाता है, एज लार्ज एज द ओशन. सी योर सेल्फ स्विमिंग एंड जंपिंग, एंजॉइंग सो मच द वाटर्स ऑफ द रिवर और द ओशन. अपने आप को आप नदी के किनारे या समुद्र के किनारे कूदते खेलते देखें. बहुत मस्ती हो रही है, यू आर रियली एंजॉइंग इट. अब हम पहाड़ पर चलते हैं, लेट्स गो टू द माउंटेन्स. द माउंटेन्स आर फुल ऑफ प्रेशियस एनिमल्स. कितने अलग रंग बिरंगे पशु प्राणी हैं वहां पर, द बेयर्स, द टाइगर्स, द पैंथर्स, द जैगुआर्स, द लायंस, स्क्विरल्स एंड बर्ड्स. कितने रंग बिरंगे शेर, चीता, बाघ, कुत्ते, बिल्लियां और पक्षी हैं. All these live together naturally, एक साथ रहते हैं दोस्त बनकर. They live as friends together. उनको धरती माँ से जो चाहिए वो मिल जाता है. The mother earth gives them whatever they need. See yourself walking on the mountain or crossing your favorite forest. आप अपने आप को देखें पहाड़ पर चढ़ते हुए या अपनी फेवरेट फॉरेस्ट के अंदर खुद को देखें. हवा से चिड़ियां उड़ रही हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग थ्रू द एयर. देखिए कैसे एक साथ, एक मिलकर, एकजुट बनकर हवा में उड़ रहे हैं. सी हाउ द बर्ड्स फ्लाई टुगेदर इन सिनर्जी. दे वर्क इन अ टीम. सब एक साथ काम करते हैं. दे आर फ्लाइंग इन द स्काई विच इज फुल ऑफ कलर्स. आसमान के कितने अलग अलग रंग हैं. अब रात हो रही है, इट्स बिकमिंग डार्क. Slowly and slowly you can see the stars shining up in the air, in the sky, the planets and the moon shines upon us.
चंद्रमा हमारे ऊपर अभी जाग रहा है, रात होने वाली है, तारे टिमटिमाते दिख रहे हैं, इमेजिन लाइंग ऑन द ग्रास, आप इमेजिन करो कि आप घास पर लेटे हुए हो, हवा चल रही है, द एयर इज मूविंग एंड यू लुकिंग एट द स्टार्स लाइक डॉट्स, छोटे छोटे तारे बिंदी की तरह दिख रहे हैं आसमान पर, और आप अलग अलग चित्र बना रहे हैं उन्हें देखकर, यू आर मेकिंग डिफरेंट शेप्स लुकिंग एट देम। अभी पूर्णिमा की रात है, इट्स द फुल मून लाइट, फील द कूलनेस ऑफ द मून, चंद्रमा की ठंडक को महसूस करें। प्रकृति आपको कितना प्यार करती है, नेचर लव्स यू सो मच, लेट अस बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज ग्रेट गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट ऑलवेज लव अस। अपना कृतज्ञता पूर्वक प्रकृति के सारे जो देन हैं उसके प्रति धन्यवाद महसूस करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट, and very slowly and gently, whenever you feel complete, taking your own time, you may open your eyes. Dheere se apni aankhe khole, keep a big smile on your face. Wow, Didi, it was such a nice meditation. Wow. I couldn't even, I really didn't feel like opening my eyes. It was so deep. Did you enjoy your mountains? Yes, I was in the Himalayas. I was in my hometown. Wow, and did you see those leopards? Yes, I saw the leopards and I saw my favorite snow leopard. Wow. It was so interesting. So today's homework could be, they could try their own favorite asanas. Yes, definitely. Whichever animal they like jaguars, they like the panda. They can create their own asanas. Very different asanas. And they can share it with us. Yes. So again, they can share it with us. You can all share it with Shrishi Yoga's page, or you can also tag Shrishi Yoga and the Ministry of Ayush and send us the photographs. So there's one interesting thing, also one homework that I would like to give you. But before that, let me just give you a little information about the food. You know, there are four important sources of energy, which we'll be talking about tomorrow. But today I'll be talking only one of those four important things, which is called the food. Now imagine, if you don't have food, how are you going to feel? Are you going to feel energetic? No, right? So if you don't eat food, we feel completely lethargic, no energy. And sometimes when we eat too much of food, that time also we feel so lazy, lethargic. So right quantity of food is very important. And along with the quantity of the food, the quality of the food is also very important. So in the Indian system, we have divided the whole food into three types of food. One is the sattvic food, one is the rajasic food, and the third one is the tamasic food. So sattvic food is the food that gives us energy. It is fresh, just freshly cut, freshly cooked, freshly prepared, vegetarian food, which has a lot of prana, a lot of energy. The rajasic food is either which has too much of sweet, too much of salt, or too much of spicy. When we have rajasic food, there is too much of energy, too much of enthusiasm. Sometimes it is required for you to do work, but too much of enthusiasm also brings some problem. And the last is the tamasic food. Tamasic food is the food which is dull, which is the junk food, which is too oily, overcooked food, stale food, and non-vegetarian food, and canned food, all the Pepsi, Cola, whatever we drink, these all are categorized under the tamasic food. So you should refrain, you should not have it. So hum kya karte hain, hum hamare char tarah ke urja ke strot hain. Un char urja ke strot mein sabse pehla hai
खाना, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो खाने में तीन प्रकार के विभाजन होते हैं, एक होता है सत्वा, एक होता है राजसिक फूड, एक होता है तामसिक फूड। सात्विक फूड वो है जो फ्रेश है, एकदम से नया नया बना हुआ है, और वेजिटेरियन फूड है। जो राजसिक फूड है वो है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस है, बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा मीठा है। और जो तामसिक फूड है वो है जो बहुत ही पुराना फूड है, बहुत ज़्यादा बार उसको हीट किया गया, या नॉन वेजिटेरियन फूड है, पेप्सी कोला, ये सब जितने भी कैटेगरी है ये सब तामसिक फूड में आते हैं। और तामसिक फूड क्या करता है, हमारे शरीर में इनर्शिया लाता है, लेजीनेस लाता है। सो द तामसिक फूड ब्रिंग इनर्शिया एंड लेजीनेस। सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क फॉर एवरी वन ऑफ यू। टुडे यू गो टू योर किचन्स एंड ओपन योर रेफ्रिजरेटर एंड फाइंड आउट द थिंग्स इनसाइड द रेफ्रिजरेटर विच यू थिंक आर सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सो नॉट जस्ट इन द रेफ्रिजरेटर बट आपके किचन में जो भी खाने की आइटम है उसको इन तीन तरह के जो खाने हैं उसमें आपको विभाजित करना है, लिस्ट डाउन करना है। एंड वंस यू हैव लिस्टेड डाउन यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद अस ऑन फेसबुक, या आप अपने फेसबुक में डाल के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क दैट वी आर गिविंग इट टुडे, देन दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फूड दैट यू शुड ईट। ओके, सो इट वॉज ग्रेट टू हैव यू इन दिस ब्यूटिफुल गेम टुडे। बाय। एंड श्रेया दीदी, थैंक यू फॉर द ग्रेट सेशन टुडे। And on behalf of Shriya Didi, everybody's saying Shriya Didi, saying hi and bye to you. Bye. Bye. Namaste.